बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज असर वाली सरकार। सो गाइस, आज की वीडियो में हमारे पास एक बहुत ज्यादा खूबसूरत पिस्टल और सदाबहार चलने वाला पिस्टल, ठीक है, और हर शख्स का पसंदीदा पिस्टल आज की वीडियो में हमारे पास है, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे, इसकी थोड़ी सी फर्स्ट लुक दिखाएंगे। फर्स्ट लुक देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा पिस्टल है, ठीक है। ये चेक करें, ये पिस्टल रशियन मॉडल इंटरचेंज पिस्टल है, ठीक है। ये टोटली 40-41 मटेरियल के अंदर तैयार हुआ क्रोम बैरल पिस्टल है। मैं आपको इसकी बैरल अंदर से थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ठीक है। तो ये टोटली सीएनसी मशीनों के ऊपर बना 1944 मॉडल की कॉपी की गई है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा पिस्टल नजदीक करके, ये चेक करें। जैसे इसका ये ट्रिगर देखें, ट्रिगर के ऊपर भी बिल्कुल जैसे ओरिजिनल पिस्टल के ऊपर आते हैं साइन, वैसे ही सेम एज इट इज साइन है, आगे भी साइन है और पीछे। सेफ्टी के लिहाज से ये पिस्टल बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन इसकी सेफ्टी डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर आप इसको घर में करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले आप इसका तजर्बा कर लें, फिर उसके बाद करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये देखें ट्रिगर, आपने इसको सेफ्टी सिस्टम लगाना है तो ये सेफ्टी सिस्टम है। चैम्बर के अंदर गोली अब आप जो मर्जी करें ये फायर नहीं करेगा, जो मर्जी कर लें, ठीक है। जो आम चाइना मॉडल कोई भी पिस्टल आते हैं उनका ट्रिगर दबाते हैं तो वो खुद ब खुद ये ऑटो फायर कर देते होते हैं, ठीक है। इसकी एक एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया गया है, क्योंकि इसको खूबसूरत और इसको पायदार बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्क किया, सीएनसी मशीन के ऊपर इसको तैयार किया है पिस्टल को, ठीक है। और ये बड़ा लाइट वेट, और ये देखें ये आपको इसकी आवाज आती होगी, जैसे ओरिजिनल पिस्टल है ना, ये हाफ लॉक जो इसको कहते हैं, ठीक है। ये चेक करें, ये हाफ लॉक हो गया, हाफ लॉक के बाद ये चेक करें, ठीक है। ये इसके अंदर ए टू जी, अगर आप एक जगह पे ओरिजिनल पिस्टल को रख दें, एक जगह पे इसको रख दें, कोई बंदा भी जज नहीं करेगा कि ये पिस्टल ओरिजिनल है कि ये लोकल है। इसका सामान मटेरियल निकाल के आप ओरिजिनल के अंदर डाल दें, ओरिजिनल का निकाल के इसके अंदर डाल दें, ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। इसकी मैगजीन जैसे उसके अंदर पहले आते थे पिस्टल जो है वो इस जगह पे इनको ऐसे करके इनको कैरी किया जाता था, यूनिफॉर्म के साथ कैरी करते थे, ठीक है। तो ये वैसे ही इसके ऊपर भी ये चेक करें, इसकी मैगजीन को भी वैसे ही बनाया, ठीक है। अगर हम इसके निशाने के हवाले से बात करें, निशाना लगाने के हवाले से बात करें, तो ये बहुत मजेदार पिस्टल है और इसका एम पॉइंट पूरा वर्क करता है, क्योंकि ये टोटली मशीनों के ऊपर तैयार हुआ पिस्टल है, ये हाथ पे तैयार हुआ पिस्टल नहीं है। अगर आपको ये पिस्टल पसंद आता है तो आपने कमेंट लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।